हिमाचल में अमित शाह की चुनावी हुंकार। चंबा के भटियात से कांग्रेस पर बोला हमला। हिमाचल में टोपी की राजनीति पर कड़ा प्रहार। प्रियंका गांधी के रिवाज वाले बयान पर किया पलटवार। मित्रों, जब चुनाव लड़ते हैं दो दल होते हैं, आमने सामने लड़ते हैं, अपनी बात को रखते हैं, किए हुए कामों को गिनाते हैं। अभी अभी कांग्रेस के सारे नेता हिमाचल में आए, इनके भाषणों की डिटेल को मैंने देखा है। आप भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता के भाषण देखना, कोई कहेगा हर घर में पानी पहुंचाया, हर घर में स्वास्थ्य का कार्ड पहुंचाया, इतने रोड बनाए, मोदी जी चंबा के लिए रेल लेकर आए, इस प्रकार के काम हम सब गिनाते हैं। गिनाते हैं या नहीं गिनाते हैं, मगर कांग्रेस के नेताओं के पास एक ही बात है, गिनाने तो कुछ नहीं है। वो कहते हिमाचल में रिवाज है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। माताओं, भाइयों, बहनों, अगले चुनाव में उनके पास ये भी बात नहीं रहनी चाहिए। इस रिवाज को बदल दीजिए और नया रिवाज बनाइए कि एक बार भाजपा बार बार भाजपा। फिर से एक बार बोलिए, एक बार भाजपा। मित्रों, ये कांग्रेस ही कई प्रकार के सूत्र चलाते, लाल टोपी हरी टोपी चलता है ना। मैं भाजपा के सारे समर्थकों कहने आया हूं, आज से लाल टोपी भी भाजपा की है और हरी टोपी भी भाजपा की है। ये चलाते हैं ऊपरी हिमाचल और नीचे का हिमाचल। मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, ऊपरी हिमाचल भी भाजपा का है और नीचे का हिमाचल भी भाजपा का है। मित्रों, पहले सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, और दिल्ली में जो बैठे थे वो उफ नहीं करते थे क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता था, डर। मोदी जी आए, फिर से पुलवामा और उड़ी में हमला किया, मगर उनको मालूम नहीं था सरकार बदल गई है। एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। मोनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। मित्रों, दस ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के परछड्डे उड़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी।